और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसानों के बीच जाते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं। सोचना तो उन्हें चाहिए जो किसान कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी अब सिंधु बॉर्डर पे नहीं जा रहे किसानों के बीच में। क्या कारण है कि सिखों के बीच क्यों नहीं जा रहे? वो कहीं 84 की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? उनको जाना चाहिए। हम तो किसी भी बहाने से जाएंगे। कांग्रेस सोचे कमलनाथ जी को भेजे जरा सिख आंदोलन। सर, मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सल मूवमेंट बढ़ा है, सीआरपीएफ की कुछ कंपनियां भी वहां पर डिप्लॉय करने की तैयारी है। मैं खुद परसों जा रहा हूं बालाघाट, हमारे डीजीपी साहब जा रहे हैं साथ में, अन्य अधिकारी जाएंगे वहां पे, अधिकारी रहेंगे। देखिए, हमने एंटी नक्सल मुहिम 15 साल चलाई, 15 साल हमने मध्य प्रदेश में नक्सलियों को घुसने नहीं दिया। और उसके पहले अगर आप देखोगे, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उनके मंत्री बालाघाट में लिखीराम कांवरे जी के घर में घुसकर नक्सलियों ने हत्या की थी, उस मूवमेंट को तोड़ा। फिर कमलनाथ जी की सरकार आ गई, उनने ढील दे दी। अब हमने फिर सख्ती के साथ में, अभी परसों ही 2 मारे हैं नक्सली, उसके पिछले महीने में आप चले जाओगे तब 2 नक्सली। हमने मध्य प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। वो दिग्विजय सिंह जी की सरकार आप याद करो, जब ग्वालियर चंबल अंचल में जगजीवन परिहार, निर्भय गुर्जर, रामबाबू, दयाराम गड़रिया, ये गैंगे सक्रिय थी, आज एक भी नहीं है। सतना बिंद में जब ठोकिया और दूसरे गैंग सक्रिय थे, आज एक भी नहीं है। नक्सली गतिविधियां बालाघाट में जो थी, आज हमने धताहत कर दिया। सिमिका नेटवर्क जो मालवा के ऊपर था, सारे ध्वस्त। मध्य प्रदेश एक शांति का टापू बन के उभर रहा है। अभी रतलाम में एनकाउंटर किया हो या शिवपुरी का एनकाउंटर हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर भूमि माफिया हो, किसी की भी खैर नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। सर, कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल हैं, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह अगर सामने होते तो नतीजे कुछ और होते, उनको पर्दे के पीछे नहीं रखना था। देखो, कमलनाथ जी के नेतृत्व पे लगातार उंगली उठ रही है। इसके पहले मेरे बड़े भाई आदरणीय गोविंद सिंह जी उठा चुके, उसके पहले ब्रजभूषण जी जो प्रवक्ता थे वो उठा चुके, सुरेश शर्मा उठा चुके, अब जंडेल बाबू आ गए। कमलनाथ जी का नेतृत्व मैं तब भी कहता था, आप लोग नहीं मानते थे कि ये फिर दिखाई नहीं देंगे चुनाव के बाद। आप देख रहे हो क्या? अब तो वो जब मिलेंगे आपको ट्विटर पे, पेपर पे ही मिलेंगे, या मध्य प्रदेश में मासिक अभी रहेंगे, फिर तिमाही हो जाएंगे, उसके बाद छमाही आया करेंगे। वो कमलनाथ जी ने हर तरह के मौके देख के सबको देख लिया 15 साल में। अब तो मुझे लगता नहीं कि कोई मौका उनको जनता देगी, पर जनता कांग्रेस को मौका नहीं देगी। कांग्रेस नई टीम का गठन कर रही है, उसमें 10-11 खास नेताओं को अलग अलग वर्ग से रखा गया है, कुछ युवा भी है, कुछ एक्सपीरियंस भी है, जिनको अब नेतृत्व दिया जाएगा, बड़े पद दिए जाएंगे, ताकि निकाय चुनाव में कुछ अच्छा कर पाए। अपने आप को भ्रम में रखना है और उन कार्यकर्ताओं को बांध के रखना होगा। कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है देश के अंदर, ये उनकी सारी कोशिशें अब सफल नहीं होंगी देश के अंदर, वो कुछ भी कर लें। मैं तब भी कह रहा हूँ डूबता जहाज है, अब भी कह रहा हूँ ये रसातल को जा रही है। आप तात्कालिक परिणाम देखो ना, हैदराबाद के अंदर मैंने बधाई दी राहुल गांधी को कि उनने अपनी स्थिति को कायम रखा, 2 सीटें थी, 2 की 2 बचा के रखी, बड़ी बात है। आप बाकी जगह देखो चुनाव में, नहीं ऐसे नहीं करो, देखो आप मानो तेरी बात को। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उनके पास थी, घटे वो मणिपुर में
घटे वो आगे घटे वो तो हैदराबाद में दो की दो कायम करना तैना नहीं देना कांग्रेस की और राहुल मंत्री जी आप भाजपा सरकार बने लगभग 10 महीने होने को आया अभी तक मंत्रियों को प्रभार के जिले नहीं मिले मिल जाएंगे आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होंगी।